Hello guys, so this is Sankat Mochan for General Awareness. So again we are back with our article discussion of the newspaper. We are not going in a traditional way of reading a newspaper by topic wise. No, we are going to handle one topic but going to give you a holistic understanding, because that is what becomes very important. क्योंकि एक आर्टिकल को अच्छे से समझना ज्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो ज्यादा रिटेन रहता है रादर देन डूइंग ऑल द न्यूज. क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो एक आर्टिकल में जो आपको कोर एरिया आपको समझ में आएगा, अगर उसको मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपको समझ में आने लगा तो दैट इज वॉट इज समथिंग दैट मेक्स इफेक्ट. ओके, दैट इज समथिंग दैट मेक्स इफेक्ट इन पॉजिटिव सेंस. सो यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम लोग सबसे पहले जो उठाने वाले हैं न्यूज, तो दैट इज ऑन एजुकेशन. के इट इज प्रोनाउंस्ड एज एडुकेशन बट मेरे को एजुकेशन बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाला आर्टिकल हम लोग पहले करेंगे. तो एजुकेशन, इट्स ऑल इन द माइंड. सो अगेन माइंड, मेंटल पीस. ये आर्टिकल इसलिए मैंने पर्टिकुलरली उठाया है क्योंकि मेंटल पीस और मेंटल एस्पेक्ट या फिर करिकुलम या स्कूल डेज में हमारे मेंटल पीस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज वॉट is very important. okay, because aaj agar dekha jaye to in this cutthroat competition like everyone is after others throat, so that kind of that cattle race becomes very problematic and that ruins, like bachpan se hi bachcho ko aap coding decoding ye sab dikha sikhane lagte hain, ya fir bachcho ko bachpan se hi keh deta tumko ye padhna hai ye, but where is the mental peace? So again the yoga and all those aspects, that critical analytical understanding can only come if there is mental peace. तो फैमिली के साथ बच्चों के क्या रिलेशन है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टॉक अबाउट. अगेन दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट इन पेपर्स लाइक एथिक्स एसे. ओके, और इवन इन पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सो लेट्स गेट डायरेक्टली इन टू द आर्टिकल इट सेल्फ. इनकॉर्पोरेटिंग माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इन टू द करिकुलम. सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इन टू द करिकुलम will help students cultivate the skills required to become caring and committed citizens. Yes, the idea of citizen. My pencil is not working. So caring and ठीक है, एंड कमिटेड सिटीजन बनने के लिए. सिटीजनशिप की जो थ्योरी होती है, दैट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइक अगर एक बात करें, अगर सेंटर या स्टेट, स्टेट सेंटर का एक स्टेट और सिटीजन का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे स्टेट जो है वो एक तरह से इंश्योर करती है कि आपको मिनिमम प्रोटेक्शन मिलेगी, मिनिमम सेफगार्ड्स मिलेंगे. मतलब इतने तो कम से कम होना ही चाहिए, मिनिमम वर्ड्स मिलेगी मतलब है कि इतना तो कम से कम आपको आपकी जान को प्रोटेक्ट करना, आपकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, इतना तो हम आपको देंगे. और वहीं पे सिटीजन जो है वो भी स्टेट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि हम भी आपको एक तरह से एक टू एंड फ्रो रिलेशन. तो दैट इज वाई तो स्टेट और पीपल का एक रिलेशन होता है. इसको अगेन मैं 17th सेंचुरी के फिलोसोफर से भी कनेक्ट करना चाहती हूँ, बट क्योंकि अभी हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं तो वो जब हम एथिक्स की क्लास करेंगे उसमें अगेन फिलोसोफिकल सेक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ ड्यूटीज होती हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो वहां पे क्या होता है, तो स्टेट अगेन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सिटीजन के मेंटल पीस का ख्याल रखेंगे. और वहीं पे सिटीजन को अगर एक कमिटेड और एक केयरिंग सिटीजन बनना है तो दैट मिनिमम क्राइटेरिया कि हाँ मेरी अगर साइकोलॉजिकल वेलबींग होगी इंश्योर तभी मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगी फॉर नेशन बिल्डिंग, राइट. तो यही ये पॉइंट हमें देखता है. तो अगेन दिस फ्रेज केयरिंग एंड कमिटेड सिटीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस, the world is fast paced, competitive and stressful, and unfortunately children often face anxiety. to ye anxiety ka jo factor hai, ab dekhiye pehle to zamane mein anxiety ho gaya ya depression ho gaya ya fir kisi bhi tarah ka koi bhi issue ho gaya, ye sab recognize hi nahi kiya ja sakta tha. theek hai, like
अवेयरनेस नहीं थी, बट आज अगर हम देखें तो शिफ्ट हो रहा है, पीपल आर बिकमिंग अवेयर दैट दीज प्रॉब्लम एग्जिस्ट, दिस इज समथिंग दैट इज रियलिटी, राइट? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वेरी इंपॉर्टेंट, अब सर सोल्यूशन भी हमें करना होगा. तो लेट्स गो टू वर्ड्स सोल्यूशन. सो अगेन दैट माइंडफुलनेस एज द नेगेटिव दे नेविगेट द पुश एंड पुल ऑफ द कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट लाइफ दैट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. तुम्हें ये करना ही है, तुम नहीं करे शर्मा जी का बेटा, ठीक है? ओवरकम दैट शर्मा जी का बेटा का फिनोमेना. इन दिस फास्ट मूविंग एनवायरमेंट द इंक्लूजन ऑफ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इन द करिकुलम, करिकुलम हैज द पोटेंशियल टू मेक अ सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द करेंट एनवायरमेंट बाय एड्रेसिंग द हाई रेट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इमोशनल. तो अगेन एथिक्स में भी अगर हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इमोशनल इंटेलिजेंस EI, सिर्फ IQ ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, EI इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ यू टैकल अ सिचुएशन, हाउ यू कैन चेंज. लाइक अगेन, अगर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, रादर देन मैं गुस्सा करके किसी को जाके लगा दूं दो चार थप्पड़, उससे अच्छा होगा कि अगर मैं जाकर बॉक्सिंग और रेसलिंग में जाके अपने आप को पार्टिसिपेंट बना लूं, और वहां पे मैं उसको उसी गुस्से को निकाल के अर्न करना शुरू करूं. बट अगेन, अगर वो गुस्सा जो है वो रेकलेस हो, मैं जाके दूसरे वाले फाइटर का मुंह तोड़ दूं, वो भी गलत है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस, अब वो कैसे आएगी? जब हम बचपन से ही वैल्यू सिस्टम में इस तरह से रखें कि बच्चा फ्री फील करे, ठीक है? सो दैट इज देयर एंड क्रिएटिविटी, अटेंशन, फोकस, इमोशनल रेगुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सब हम लोगों को डेवलप करना, और कंपैशन, एम्पैथी, ठीक है, बच्चों को एम्पैथी करो, डिस्कशन करो, एनवायरनमेंट, ये सब एस्पेक्ट्स आना चाहिए. नेचर के पास ले जाओ, मिट्टी में खेलने दो, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में मत खेलो, हाथ गंदे हो जाएंगे. नहीं, मिट्टी में खेलने दो यार, है ना? बच्चे को एक फ्री स्पिरिट की तरह रखो. दे आर जस्ट लाइक चाइल्ड इज वॉट, चाइल्ड इज लाइक ब्लैंक स्लेट. चाइल्ड इज लाइक ब्लैंक स्लेट, ठीक है? तो ये एक फिलोसोफर ने कहा था, रूसो ने, ठीक है? तो ब्लैंक स्लेट है, उस पे आप जो लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो. तो क्यों ना हम अच्छा ही लिखें बचपन से. तो दैट इज देयर, तो ब्लैंक स्लेट. माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस कैन ऑल्सो टीच वैल्यूएबल सोशियो इकोनॉमिक स्किल्स लाइक सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी. यंगस्टर्स कैन कल्टिवेट द स्किल्स दे नीड. मैनेजिंग स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टूडेज वर्ल्ड. तो मैनेजिंग स्ट्रेस एंड अ रिपोर्ट ऑन द US बेस्ड नेशनल लाइब्रेरी कैन हेल्प अडोलसेंट्स बिकम मोर अवेयर ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस एंड लर्न टू रिस्पॉन्ड टू देम इन अ नॉन जजमेंटल वे एंड रिड्यूस एंग्जाइटी. तो बच्चे भी देखा जाए तो बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत एंक्शियस हो जाते हैं. वी आर ऑलवेज विलिंग टू कंक्लूड ऑन थिंग्स कि हाँ वो तो ऐसा है, वो ऐसा है. अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर रखना गलत है ये. तो अगेन, मल्टीपल व्यूज, डाइवर्स व्यूज से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है. सो दैट इज देयर. एंड इतना स्टडीज वगैरह में अभी ठीक है. तो मेंटल हेल्थ कैन रिड्यूस क्लासरूम डिस्ट्रप्शन, रिड्यूस क्लासरूम डिस्ट्रप्शन, बेनिफिट एट रिस्क स्टूडेंट, सपोर्ट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट. तो ये सब हो गया है, ये सब वे हम लोगों ने बात कर ली. इंटीग्रेट विद SEL, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू SEL टू टीच स्टूडेंट्स द बेनिफिट्स ऑफ टेक्निक्स, होल बॉडी स्कैन, मेडिटेशन. सो अगेन, योगा, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये सब हो गया. हैप्पीनेस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेड कल्चर. तो हैप्पीनेस एलिमेंट बच्चों को कल्चर कल्चर के एस्पेक्ट में डालो, बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो, स्विमिंग में डालो. तो दैट इज देयर. इन एडिशन उससे बात करो, द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत घरों में बात नहीं होती है, बच्चे डोंट फील फ्री टू टॉक टू देम, टू देयर पेरेंट्स. दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज गोइंग टू हैपन समवेयर डाउन द लाइन. तो उसको ओवरकम करना है. एम्पेथेटिकल तरह के लोगों के दूसरे के दर्द को समझें. और पीयर इंफ्लुएंस, अगेन पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए. शर्मा जी का लड़का वाला फिनोमिना खत्म होना चाहिए. इट्स हाई टाइम पेरेंट्स प्लीज एंड दिस शर्मा जी का लड़का वाला फिनोमिना, ठीक है? शर्मा जी का लड़का रिप्लेस गेट्स रिप्लेस बाय उनका बेटा, दूसरे का बेटा, XYZ. बट ये फिनोमिना एंड नहीं हो रहा, तो खत्म करना चाहिए हम लोगों को. एंड हाई सेल्फ एस्टीम इंकलकेट करें कि अपने आप को अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. रादर देन ऑलवेज थिंक कि आई एम नॉट लाइक वन थिंग, आई वुड लाइक टू पुट अक्रॉस इन अ सिंपल वर्ड्स टू से दैट आई ऑलवेज लाइक
वेन एवर वी आर टॉकिंग टू अदर पार्टी, एक्स वाई जेड किसी से भी हम बात करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं यार उसको बुरा ना लगे. आई थिंक आई शुड बी लाइक, आई डोंट से दिस, शी मे गेट हर्ट, ही मे गेट हर्ट, बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर ओन सेल्फ वी ऑलवेज थिंक टू हर्ट. वी आर जस्ट यूजिंग निगेटिव वर्ड्स फॉर आर सेल्फ. वाई जो चीज़ आप दूसरे को नहीं बोल सकते वो आप खुद को क्यों बोल सकते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पा रहा, मेरे घर में ये है, मेरे घर में प्रॉब्लम टेंशन है, मैं ऐसा हूँ, मैं क्यों? गेट ओवर दैट, राइट? तो दैट एस्पेक्ट, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम पुटिंग अक्रॉस. सो बिहेवियरल इससे होगा खत्म इश्यूज जो भी हैं. इसीलिए कम्युनिकेशन, माइंडफुलनेस, योगा, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल एनालिसिस, एंगेजमेंट, दीज आर द टर्म्स दैट यू शुड यूज एंड एम्प्लॉय. रूसोस ब्लैंक ब्लैंक स्लेट एंड आइडिया ऑफ साइकोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स ऑफ टूडे सोसाइटी, तो उसको कैसे काउंटर करना है, कैसे बच्चे को उससे इंटरेक्ट करवाना है, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट. एंड अगेन देखिए, ये जो चैप्टर है, ये आर्टिकल मैंने इसलिए उठाया, बहुत लोग छोड़ देंगे आर्टिकल, पर मेरे हिसाब से आज की डेट में जिस तरह के एग्जाम्स आ रहे हैं, ये कंपटीशन आपकी लाइफ के लिए, और सेकेंड चीज आपके खुद के आंसर राइटिंग और पर्सनालिटी डिबेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो यस, हियर वी आर एट संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस. एनी इशू, एनी पॉइंट, एनी सजेशन यू वॉन्ट टू पुट अक्रॉस, यू कैन पुट इट इन कॉमेंट सेक्शन. आई विल एंड आर टीम विल रिप्लाई डेफिनेटली. थैंक यू.